बीएचयू में हुए लाठीचार्ज पर आलोचना झेल रहे कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने फिर विवादित बयान दिया है। छात्राओं को मर्यादा का पाठ पढ़ाने आए कुलपति मर्यादा की सीमा ही लांघ गए। एक मिनट, तुम भी धर्म की बात करने का अधिकार नहीं है, उसको धर्म पता है। तुम ये बताओ, लड़कियों ने धर्म का पालन किया कि एक लड़की का अस्मिता को लेकर जो बाजार में पहुंची? सुना आपने कुलपति की गरिमा पर कालिक पोतने वाला ये बयान। छात्राओं को अस्मिता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते बीएचयू के कुलपति खुद अपनी ही मर्यादा भूल गए। ये बताओ, लड़कियों ने धर्म का पालन किया कि एक लड़की का अस्मिता को लेकर जो बाजार में पहुंची? बीएचयू विवाद पर घिरे कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी पहुंचे तो थे छात्राओं से बातचीत करने, लेकिन इस दौरान उन्होंने शब्दों के ऐसे तीखे तीर छोड़े कि लाठीचार्ज का दर्द झेल रही छात्राओं के जख्म दोबारा हरे हो गए। लेकिन कुलपति इतने भर से नहीं माने, उन्होंने सरेआम छात्राओं पर किसी भी लाठी चार्ज तक से इनकार कर दिया। कुलपति साहब कितने भी कुतर्क गढ़े, लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई कोई भी नहीं झुठला सकता। यही वजह है कि बीएचयू में पहली महिला चीफ प्रॉक्टर बनी रायना सिंह पद संभालते ही सफाई की मुद्रा में नजर आईं और विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था जल्द बेहतर कराने का भरोसा दिलाया। एज अ चीफ प्रॉक्टर मेरी प्रायोरिटी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फीमेल्स, जिसमें हम लोगों ने कई पॉइंट्स वो किए हैं। पहले तो स्थान स्थान पर सीसीटीवी कैमरे जो कि पहले से ही चिन्हित हैं, 65 प्लेसेस ज़्यादा है, दोज सेंसिटिव एरियाज वी आर पुटिंग अप द सीसीटीवी कैमरास। इस बीच बीएचयू में छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने पूर्व चीफ प्रॉक्टर समेत प्रॉक्टोरियल बोर्ड के 20 सदस्यों को नोटिस जारी कर तलब किया है। उधर हंगामे को लेकर बीएचयू के छात्रों के एक दल ने दिल्ली में जबरन पीएम मोदी के आवास की ओर जाने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में इन छात्रों को छोड़कर उन्हें वाराणसी वापस जाने को कहा गया। ये लोग प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देने जा रहे थे, उस दौरान इन लोगों को डिटेन कर लिया गया। जब लोक कल्याण मार्ग पर ये लोग उसके आसपास ही पहुंचे थे उससे पहले ही, हालांकि इनका कहना है कि किसी के सिर्फ दो लोगों के पास रिजर्वेशन था, उसके बावजूद जो पुलिस है वो उन्हें जबरदस्ती वापस भेजना चाहती है। साफ है कि 23 सितंबर को हुए बीएचयू कांड पर छात्रों का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। ऐसे में कुलपति का ये शर्मनाक बयान उनके गुस्से को फिर भड़का सकता है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।